डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 पेज नंबर 26 पे ओपन करेंगे आप लेसन नंबर 3 माय अर्ली होम। कल हमने वर्ड्स मीनिंग्स किए थे, आज हम इस लेसन में, इस वीडियो में हम ये इसकी ट्रांसलेशन लर्न करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट होता है पहला, ठीक है, प्लेस होती है जगह। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेम्बर, वेल होता है अच्छी तरह से रिमेम्बर, याद कर सकना, ठीक है, याद करना। वाज अ लार्ज, लार्ज होता है बहुत बड़ा, बिग होता है बड़ा, लार्ज होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, ठीक है, उसको लार्ज कहते हैं। और ह्यूज होता है बहुत ही बड़ा, जो हर चीज़ से बड़ा हो, ठीक है, बिग, लार्ज, ह्यूज। प्लेजेंट मीडो, प्लेजेंट होता है खुशगवार, मीडो होती है चरागाह, ठीक है। पोंड होती है तालाब। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेम्बर वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मीडो, जो पहली जगह मैं अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ वो एक बहुत खुशगवार चरागाह थी। विद अ पोंड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, जिसमें एक बहुत शफाफ पानी का तालाब था। सम शेडी ट्रीज लीन्ड, शेडी होते हैं सायादार, ठीक है, ट्रीज आप जानते हैं दरख्तों को कहते हैं। लीन्ड, तिरछा होना या टेक लगाना, ठीक है, लीन्ड, लीन्ड ओवर इट, यानी कि इसके ऊपर झुका हुआ होना। सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, कुछ सायादार दरख्त इसके ऊपर झुके हुए थे या टेक लगाए हुए थे। एंड रशिस, और पौधे, एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड, इसके एहतामी हाथमे पर आबी नरगस और पौधे उगे हुए थे, ग्रू उगे हुए थे, ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म है। ओवर द हैच, बार के पार, ठीक है, ऑन वन साइड, एक तरफ, वी लुक्ड इनटू अ प्लफ्ड फील्ड, हमने हल चले हुए खेत की तरफ देखा। एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ, वी लुक्ड ओवर अ गेट एट आर मास्टर्स हाउस, हमने दूसरी तरफ अपने मालिक के घर का गेट देखा। गेट कहते हैं बड़े दरवाजे को, ठीक है, बड़े दरवाजे को देखा। विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि सड़क के साइड पे खड़ा था। एट द टॉप ऑफ द मीडो, चरागाह के बहुत ऊपर, ठीक है, टॉप होती है ऊंचाई ऊपर। वाज अ ग्रोव ऑफ फर ट्रीज, ठीक है, टॉप ऑफ द मीडो, चरागाह के बहुत ऊपर चोटी पर। वाज अ ग्रोव ऑफ फर ट्रीज, वहाँ पे दरख्तों के, स्नोबर के दरख्तों का एक झुंड था। एंड एट द बॉटम, और नीचे, आर रनिंग ब्रुक, एक बहती हुई वादी थी, रनिंग बहती हुई, ठीक है, रनिंग ब्रुक बहती हुई वादी थी, नदी थी। ओवर हंग बाय अ स्टीप बैंक, जो के किनारे के अमूदी ढलवान में आगे को निकली हुई थी, ठीक है, किनारे के ऊपर अमूदी ढलवान में आगे को निकली हुई थी। ओवर हंग आगे को निकली हुई, स्टीप अमूदी ढलवान में, और बैंक होता है किनारा। अंडरस्टैंड हो गया बेटा? एक दफ़ा मैं जस्ट रीड करती हूँ, ट्रांसलेशन विद मीनिंग्स मैंने आपको बता दी है, अगेन आप वीडियो रिपीट कीजिएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। आप रीडिंग करते हैं। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेम्बर वॉज आवर लार्ज प्लेजेंट मीडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट एंड रशिस एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड। ओवर द हैच, on one side we looked into a left field and on the other we looked over a gate at our master's house which stood by the roadside. At the top of the meadow was a grove of fir trees and at the bottom a running brook overhung by a steep bank. yahan tak hum aaj karte hain beta, इनको आपने अच्छी तरह से वर्ड्स मीनिंग्स को भी लर्न करना है, रीडिंग करनी है, और रीडिंग आपने इस तरीके से करनी है कि ज़बरदस्त एक्सेंट हो आपका और स्पीकिंग स्किल्स आपकी इन्हेंस हो। अगेन एंड अगेन वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें इसी तरह से रीडिंग करने की, और ये वर्ड्स मीनिंग्स आपने क्लास वर्क में भी लिखने हैं, होमवर्क में भी लिखने हैं, और मुझे पिक्स सेंड करनी है बेटा। और ये रीडिंग की भी आपने अपने ट्यूशन टीचर को सुना के, तो मुझे वीडियो बना के आपने व्हाट्सएप करनी है, ठीक है, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेसन हम इंशाल्लाह कल करेंगे रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। आप सब ने एक्टिव रहना है और मुझे लेसन सेंड करते रहना है। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़।